हेलो गाइस, हेलो। आज हम 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री जो कि चैप्टर 3 मैथ्स का है। स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सेंस ऑफ मैथमेटिक्स। बिना इस टॉपिक के चाहे आप 12th की मैथ्स करें चाहे आप 11th की मैथ्स करें, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज कहां पर काम में आएगी। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा है और आप लोग 11th क्लास से आ रहे हो, इस चैप्टर 3 में बहुत सारी चीजें आपको समझ रही है। उससे पहले हम 10th क्लास से जो आप पढ़ के आए उसको भी यहाँ डिस्क्राइब करेंगे और आप लोगों को प्रॉपरली देखना है। मैंने बोर्ड पर एक ज्योमेट्री बनाई हुई है, एक सर्किल बनाया हुआ है, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इस सर्किल विच इज डिवाइडेड इन फोर क्वाड्रेंट। ये सर्किल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है जिनको आपने क्वाड्रेंट नाम कहा है। और इस क्वाड्रेंट में हमने 10th क्लास में अगर हम बात करें तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पर्टिकुलर थीटा को आपने डिस्क्राइब किया था टेबुलर फॉर्म में। वो टेबल क्या थी? 0 से 90 डिग्री के एक्सिस आपने कैलकुलेट किए थे। तो शायद आप सब लोगों को अच्छी तरह से अवेयर है, आप लोग 0 से 90 के एंगल निकाले थे, वो सारी वैल्यू क्या थी? पॉजिटिव थी। गाइस, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको कहूंगा कि देखो, आप लोगों ने सब्जेक्ट मैथ्स चूज किया है तो आप लोगों से ये उम्मीद की जा सकती है कि इस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ा जाए। फंडामेंटली वी विल स्ट्रॉन्ग दैट थereafter वी विल एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मैथमेटिक्स इट विल गिव अस रिजल्ट फॉर द फ्यूचर। वो तभी मिलता है जब आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। जैसे एक मैकेनिक कहीं काम करने के लिए जाता है तो गाइस उस मैकेनिक के पास सबसे पहले टूल का किट होता है और उस किट के हर इंस्ट्रूमेंट का वो प्रॉपर नॉलेज रखता है। जब वो अपने फील्ड में जाता है तो उसे पता है दिस पर्टिकुलर आर्टिकल विल बी यूज फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, तो बड़े अच्छे से उस काम को कंडक्ट करके आता है। सेम विल बी हैपनिंग इन आवर मैथमेटिक्स। हमारा टूल क्या है? हमारा टूल है ओनली फंडामेंटली फॉर्मूला, फंडामेंटली कंसेप्ट, व्हाटएवर इज बीइंग यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर एक्सरसाइज। गाइस, उसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि 10th में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़े 90 तक के एंगल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। मैं बार बार अपनी वीडियोस में बताता हूँ स्टूडेंट कि हमें इन वैल्यूज को लर्न नहीं करना, आपको ऐसे हो जाने चाहिए कि आपका अगर कोई जीत में भी पूछे अगर भाई साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी तो आप बेंच बनाना चाहिए जीरो। उधर जाए साइन सिक्स की वैल्यू क्या होगी? √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो ये गाइस आपको क्लियर होना चाहिए कि जब हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हमें हमारी स्किल्स को इतना एप्रोप्रिएट प्रॉपर बनाना है सबसे पहले कि हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए रिगार्डिंग द क्वेश्चन। इट मीन हमारी स्टडी बहुत ही परफेक्ट वे में है। तो स्टूडेंट, 90 तक के एंगल साइन थीटा और कॉस थीटा आपको प्रॉपरली ध्यान रखने हैं। देयर आफ्टर एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी कैन इंप्लीमेंटेड बाय द यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सो देयर वाज रिजल्ट साइन 0 0, साइन 30 √2, साइन 45 √2, साइन 60 अंडर √2, अगेन साइन 90 1, कॉस 0 1, cos 30 अंडर √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। That these six five trigonometric functions we should be prepared properly for 0, 30, 45, 60, 90 thereafter any trigonometric function in our existence we are easily accessible whenever this will be conducted, conducted or converted in the form of 0, 30, 90, 60, 45। तो गाइस, अभी हम आपने जो टेंथ में पढ़ा है उन्हीं एंगल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने एक सर्किल बनाया हुआ है, ऑब्जर्व दिस सर्किल प्रॉपरली। इसमें मैंने लिखा हुआ है क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो गाइस, वॉचेस All students know about the watch. There are some needles, there are some notes, minute hand, second hand, hour hand. तो इनका movement
डायरेक्शन कौन सी होती है, दैट इज द बाइसोक्वल डायरेक्शन। तो अपने एंगल मीजर करने की टू डायरेक्शन है, पहली क्लॉकवाइज दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। व्हेनेवर द एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट विल कंसीडर नेगेटिव। व्हेनेवर इट इज मेजर्ड अलोंग द एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस देन इट इज टेकन पॉजिटिव। Guys, listen this, there are two ways, angle should be positive or maybe negative. So positive kab lena hai aur negative kab lena hai? Understood? Yes? Yes sir. Now one more on topic. So our way, jahan kuch measure mein angle ko universally agar measure kiya jata hai, to uska method hota hai radian. Aur हम अभी तक क्लास टेंथ तक जो एंगल मेजरमेंट पढ़ के आते हैं दैट इज द डिग्री मीटर। स्टूडेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ एन एंगल दैट इज रेडियन। सो द डिग्री इज डिनोटेड बाय स्मॉल सर्कल ऑन द वैल्यू ओवर द वैल्यू, वेयर एज रेडियन इज मेजर्ड बाय द सी। तो पहले कन्वर्जन का तरीका कि एक डिग्री एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। गाइस मैंने एक फॉर्मूला यहाँ लिखा है, वो फॉर्मूला आपको प्रॉपरली देखना है। 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन। और इस डिग्री से आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें पाई बाय 180। अब इस कन्वर्जन आपको करके बनाना, उस कन्वर्जन को आपको देखना है। मेरा क्वेश्चन है 60 डिग्री, तो मैंने लिखा इसको 60 × 1 डिग्री। राइट, आप मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखूंगा 60 × π/180 π/3 एंगल कन्वर्ट इनटू डिग्री टू रेडियन। यस सर। नाउ कम ऑन आवर टॉपिक। तो मैंने सर्किल पर ऐसे सारे एंगलों को आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपको निकालना 45 डिग्री, रेडियन में आएगा पाई अपॉन 4। आपको निकालना 90 डिग्री, रेडियन में आएगा पाई अपॉन 2। आपको निकालना 120 डिग्री, रेडियन में कितना आएगा गाइस बताओ? 2π/3 रेडियन, 2π/3 रेडियन। राइट, तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो इसकी फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब अपने टॉपिक पर आए, हम बताना क्या चाह रहे थे, 11th क्लास में क्या पढ़ेंगे, ये जो 10th में पढ़ा था एक फॉर्मूला आपने अभी तक समझा है कि डिग्री से रेडियन में क्या कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो आप देखो जो 90 तक के फॉर्मूले आपने पढ़े थे, इसके बाद अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने फॉर्मूले पढ़े थे 90 − θ। वहां आपने जो 6 फॉर्मूले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लर्न किए थे वो भी अभी हम आपको यही समझाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखो पहले लिखा हुआ है इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, पड़ी हुई लाइन विच इज नोन एज हॉरिजॉन्टल। क्लियर? यस सर। फिर मैंने कहा एक ये वाई एक्सिस इज डिनोटेड हियर, दिस इज अ वर्टिकल लाइन, दिस इज अ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मीनिंग खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइन मीनिंग खड़ी लाइन। राइट, आप देखो गाइस एक चीज मैं यहाँ पहले बताऊं, जब जब हम इस सर्किल से वर्टिकल लाइन से मूव करेंगे चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब जब सॉरी गाइस जब जब हॉरिजॉन्टल लाइन से हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब जब हम वर्टिकल लाइन से मूव करेंगे चाहे स्लोप वाइज मूव करें और चाहे एंटी क्लॉकवाइज मूव करें,
तो फंक्शन अपने कोरस्पोंडिंग फंक्शन में चेंज होगा। अब कोरस्पोंडिंग फंक्शन कौन सा होगा, फंक्शन का कोरस्पोंडिंग फंक्शन कौन सा होगा, तो मैं यहाँ कुछ फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। साइन करंट जो चेंज होगा वर्टिकल लाइन के इसमें कॉस है, कॉस इसमें चेंज होगा साइन में, ऐसे टैन इसमें चेंज होगा कॉस में, और किसमें चेंज होगा टैन में, टैक किसमें चेंज होगा और टैक में, और टैक किसमें चेंज होगा टैक। वर्टिकल लाइन से फंक्शन कौन सा कोण में चेंज होगा, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको क्लियर रखना है, पहली चीज ध्यान रखनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन से मूव कर रहे हैं या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल से मूव कर रहे हैं नो चेंज इन फंक्शन व्हेनेवर गिवन द आंसर, वर्टिकल से मूव कर रहे हैं चेंज इन द फंक्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन, और वी हैव दिस सिस्टम राइट, अंडरस्टूड दिस, यस यस नाउ कम ऑन एंगल, देयर इज द एंगल 0 डिग्री, सपोज पार्टिकल इज देयर दिस इज ऑन द एक्स एक्सिस, पार्टिकल इज हियर दिस इज ऑन एक्स एक्सिस राइट, तो पार्टिकल ने कितना एंगल बनाया एक्स एक्सिस से, 0 डिग्री, नथिंग, सो इट इज नोटेड इन मैथ बाय 0 डिग्री, अंडरस्टूड, यस सर, नाउ कम ऑन, तो हमने कहा पार्टिकल कहां था एक्स एक्सिस पे, एंगल कुछ नहीं बना, सो इट इज इन मैथ नोन एज 0 डिग्री, पार्टिकल ने मूवमेंट स्टार्ट किया और पार्टिकल अपनी पर्टिकुलर पोजीशन से क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है, तो सपोज पार्टिकल यहां चला जाता है, सपोज पार्टिकल इज लाइक देयर, इट मींस इस पार्टिकल के जहां से शुरू हुआ था वो आपने ओरिजिन से जॉइन हो रखी एक्सिस, और जहां पर पार्टिकल अब पहुंच गया दोनों पोजीशंस को ओरिजिन से जॉइन कर दे, और आपने कहा था एंगल बनता तब है व्हेनेवर टू रेज आर एडजेसेंट एंड द एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू रेज इट फॉर्म्स एन एंगल व्हिच इज नोन एज थीटा, उसी को थीटा कहते हैं, एंगल क्या होता है डेफिनेशन ऑफ एंगल दिस इज द थीटा, अब ये थीटा हमने कहा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो मेजर करने की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, आपने एंटी ग्लोब मेजर किया तो पॉजिटिव ले लेगा, आपने अगर ग्लोब मेजर किया तो नेगेटिव ले लेगा, इट इज क्लियर, यस सर, नोट डाउन, ये थीटा क्या क्या हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और कम भी हो सकता है 15 डिग्री, 18 डिग्री, 21.5 डिग्री, दैट विल बी एक्सपोज लेटर इन आवर नेक्स्ट क्लासेस, आवर नेक्स्ट क्लासेस, और फर्स्ट वीक का रिकॉर्ड ऑन द ऑफ द एंगुलर एंगल राइट 0 30 45 60 90 नाउ, अब हमने कहा दिस इज द क्वाड्रेंट 1, देन विजिबल इज प्रॉपर्ली, यस सर, क्वाड्रेंट 1, यस, इन क्वाड्रेंट 1 दिस 0 डिग्री 90 दिस इज बिटवीन, दिस इज नोन एज क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2 90 डिग्री टू 180 डिग्री दिस इज नोन एज क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 पार्टिकल कम्स एट देयर ओरिजिनल पोजीशन वेयर इट इज कम अगेन एट द सेम पॉइंट, इट मींस द वन रिवोल्यूशन इज टेकन प्लेस, अंडरस्टूड, यस, अगर यही पार्टिकल इस एक रिवोल्यूशन के बाद में अगर दूसरा रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो एंगल बन जाएगा 720 डिग्री, थर्ड कर लेगा तो 1080 डिग्री, फोर्थ कर लेगा 1440 डिग्री, अंडरस्टूड गाइस, यस, नाउ कम ऑन टॉपिक, जितने रिवोल्यूशन करेगा उतना ही मल्टीपल ऑफ 360 एंगल विल बी क्रिएटेड, और अगर तुम सपोज करो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है और उसके बाद केवल हाफ रिवोल्यूशन ही करता है, इट मीन 360 ही कंप्लीटेड,
जब आप ये कंप्लीट करेंगी तो दोनों का सम कर दोगे तो एंगल बीटा 440 डिग्री 180 प्लस 360 540 अंडरस्टूड गाइस सो डिपेंड ऑन द रोटेशन ऑफ दिस पार्टिकल अलोंग द एक्सिस दिस इज द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल नाउ दीज आर द डिग्री मीटर अब इनको रेडियन में भी कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला इज रिटन देयर डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 रेडियन तो इसको क्या कर दोगे आप जहां आपने 0 डिग्री लिखा 0 इनटू 1 डिग्री तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री दैट 0 फिर आपने कहा 90 डिग्री रेडियन फिर आपने कहा 180 डिग्री बाय रेडियन फिर आपने कहा 270 डिग्री 3 बाय 2 रेडियन फिर आपने कहा 360 डिग्री 2 बाय रेडियन तो गाइस अभी इस वीडियो में हम आपको आपके 10 तक किए हुए वर्क को ही बताएंगे इसके बाद अगली वीडियो में हम उससे आगे के एंगल के बारे में बात करेंगे तो हमने 10th में क्या पढ़ा था कि सर्टेन एंगल्स की वैल्यू तो वो आपने बता दी ऑलरेडी 0 30 45 60 और एक आपने पढ़ा था 90 माइनस थीटा तो गाइस जब 0 30 45 60 90 पढ़ा इट मींस क्या हुआ 0 प्लस थीटा जब 0 से एंटी क्लॉक मूव करोगे तो लिखोगे 0 प्लस थीटा थीटा कितना 30 है तो 0 प्लस 30 कितना हुआ 30 डिग्री 45 तो कितना हुआ 45 डिग्री यस सर तो आपने उनकी वैल्यूज डायरेक्ट लिखनी जब 0 प्लस थीटा में सीधा सीधा जितना sin 45 sin 30 cos 35 45 cos 30 लाइक दैट ऑल यू नो द वैल्यू लुक दी जाएंगे नाउ ये तो क्या कहा आपने जब हम 0 डिग्री से एंटी क्लॉक मूव कर क्वाड्रेंट 1 की बात कर रहे हैं जो आपने क्लास में पढ़ के आते हो अब इसी क्वाड्रेंट 1 में सेकंड चॉइस भी अवेलेबल है कि आप कहां से मूव कर सकते हो आप मूव कर सकते हो वर्टिकल लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो गाइस भी मैंने कहा था अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसी भी लाइन से मूव करो क्लॉकवाइज मूव करो तो एंगल माइनस में जाएगा और एंटी क्लॉक मूव करो तो एंगल प्लस में जाएगा राइट तो यहां पर 90 डिग्री और जिसको रेडियन में लिख रखा था ये कौन सी रेडियन तो 90 डिग्री अब मूवमेंट कर रहे हो आप इधर क्लॉकवाइज है इट मींस एंगल क्या होगा माइनस सब्ट्रैक्ट उसको क्या बोलते हैं कि हम अपनी वर्टिकल लाइन से क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो मीनिंग हो गया 90 माइनस थीटा अंडरस्टूड यस मैंने अभी आपको कहा जब जब वर्टिकल लाइन से मूव करोगे कांस्टेंट चेंज इनटू केसिप कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन तो वो यहाँ लिखे होएगा साइन अगर सिस्टम में है और कोई चेंज हो जाएगा हैन अगर सिस्टम में है और कोई चेंज हो जाएगा सेक अगर सिस्टम में हो और सेक में चेंज हो जाएगा अब एक सबसे बड़ी बात जो आपको और ध्यान दें गाइस आप देख रहे होंगे सर्किल में मैंने फोर एब्रिविएशन रिटन देयर इन कैपिटल अल्फाबेट व्हिच इज कैपिटल ए कैपिटल एफ कैपिटल टी कैपिटल सी व्हाट डज इट मीन इसका मीनिंग है कैपिटल ए इस क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव All trigonometric functions are positive in the quadrant 1. Quadrant 2, there are two trigonometric functions are positive, sin theta and cosine theta. In quadrant 3, tan theta and cos theta are positive. In quadrant 4, cos theta and sec theta are positive. Except these trigonometric functions. Any four will be negative. Understood this? Yes, sir. Come on, our clear topic, quadrant 1. Sin 90 minus theta. This is the tan class. Answer is cos theta. That's clear. Dekho, 90 meaning vertical line.
Here? Yes, sir. Minus, it means clockwise. इस क्वाड्रेंट वन में आपका थीटा है, वर्कर इज साइन, साइन का थीटा क्वाड्रेंट वन का है और क्वाड्रेंट वन में वो वर्टिकल लाइन से मूव कर रहे हो तो फंक्शन को बदल दो, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, और थीटा लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, थीटा, और इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है। क्वेश्चन में दिया हुआ फंक्शन 20 में पॉजिटिव है और तो आंसर विल बी पॉजिटिव, आंसर विल बी पॉजिटिव। तो गाइस ऐसे आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 10th में पढ़े थे और वहां हमने कहा था बिना लर्निंग बिकॉज दिस इज नॉट योर सिलेबस ईयर बट इन 11th क्लास इट विल बी अवेलेबल। We will identify it, we will solve by the system of this circuit, circular motion or trigonometric in class 11. Guys, I hope this video is very helpful to understanding the trigonometry of class 11 and expect you will like it and share your friends and hope that subscribe and getting latest updates. Press the bell icon. Again, thank you very much.